एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम झटपट बनने वाली, कुछ ही मिनट में, सेकंड में बनने वाली चटनी आपको बता रहे हैं। लहसुन की चटनी है। हमने लहसुन को, गार्लिक को छील कर अच्छे से साफ कर लिया है। ये 30 से 32 के करीब पीस हैं। टोटल 25 ग्राम होगा वेट में। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी। तो आइए इसको करते हैं, चटपटी चटनी को ग्राइंड। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले ये लहसुन की कलियां। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सकें। और अब हम डाल रहे हैं इसमें रेड चिली पाउडर, एकदम तीखी लाल चटनी, और नमक स्वाद के अनुसार। और शुरू में हम बहुत ही थोड़ा सा 1 टीस्पून पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करके देखते हैं। ये देखिए, पिसने के बाद ना कुछ इस तरह से हो गया है, यानी थोड़ा पिसा है और थोड़ा सा ये इस तरह का हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको थोड़ा सा, मुझे नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको फिर से चलाऊंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी हो गया और अब हम चलाएंगे इसको। और ये देखिए कुछ इस तरह की ये चटनी हो गई है। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग ये रेड चटनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये यमी सी चटनी, आप सैंडविच में खाइए, आप देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। सैंडविच में लगाइए, आप पराठे के साथ खाइए। एक छोटा बाउली बन जाती है और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डल जाता है। और आप बाद में भी मिक्सी में ना पानी साफ करके इसको क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटी कटोरी थी तो मैं ये बाद में इसमें ये पानी भी मिलाने वाली हूँ। नमक मिर्ची बिल्कुल परफेक्ट है और कश्मीरी रेड चिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती। ये स्पाइसी है थोड़ी सी, तो कश्मीरी रेड जो चिली है वो आप 1 टेबल स्पून से ज्यादा मत डालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।